प्रकाशदीप मोबाइल पेश करते हैं मोबाइलों की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है प्रकाशदीप मोबाइल, जामा कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 2, 332 सागर। बोरियों में रखे इन चावलों को जरा गौर से देखिए, जिनमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, वो भी एक नहीं बल्कि ढेरों कीड़े। ये तस्वीरें अनूपपुर जिले से सामने आई हैं, जहां मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन राजेंद्र ग्राम से सहकारी उचित मूल्य की दुकानों तक भेजा जाने वाले चावल के बोरों में जिंदा कीड़े रेंगते दिख रहे हैं। और क्या आलम है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये वही चावल है जिन्हें गरीबों को बांटा जाना है। हद तो तब हुई जब जनप्रतिनिधि समेत ग्रामीण अमानक चावल नहीं बांटने देने की मांग कर रहे हैं, तो विभाग के अधिकारी ट्रीटमेंट करवा कर वितरण की बात कहते हुए गोदाम में चावल उतरवाते जा रहे हैं। अन्नपूर्णा वेयर हाउस कोतमा में रखा पुराना चावल सहकारी उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचाने के लिए जब राजेंद्र ग्राम वेयर हाउस में लाया गया, तब चावल की स्थिति देख लोगों ने इसकी जानकारी SDM खाद्य अधिकारी समेत जनपद अध्यक्ष को दी। अपने औचक निरीक्षण पर गोदाम पहुंचे जनपद अध्यक्ष ने पाया कि चावल बेहद ही अमानक स्तर का है। उन्होंने तत्काल जिला विपणन अधिकारी समेत तहसीलदार को जानकारी दी। विभाग के आला अधिकारी भी निरीक्षण करने वेयर हाउस गोदाम पहुंचे। सभी ने चावल में कीड़े होने की बात को स्वीकार किया। वही सवाल ये उठता है कि जब चावल अमानक है तो फिर गोदाम में क्यों रखवाया जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि जिम्मेदार इसमें लापरवाही करते हुए भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। हालांकि पंचनामा बनाकर जांच की बात की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ रहे हैं। अभी फिलहाल खाने योग्य नहीं है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ही इसको जांच के उपरांत ही दुकानों में वितरण के लिए भेजा जाएगा। तो सर, एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक लाया जाता है, तो क्या उसके बीच में फूड विभाग उसको जांच नहीं करता? जहां से उठ रहा है वहां के फूड विभाग को जांच करना चाहिए था, वहां पर इंस्पेक्टर को। आने के बाद इस गोदाम में रखा है तो आप जांच के उपरांत रखाने की अनुमति देते हैं या वैसे भी रखने देते हैं? इसको तो मैं अभी 3 दिन पहले भी आके मना कर गया था कि वितरण नहीं होना चाहिए। आज आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आज रोक लगा दी गई है वितरण के लिए, दूसरा चावल मंगवा के दुकानों में भिजवाया जाएगा। अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है सर, जब तक जनप्रतिनिधि आगे नहीं आते तो ऐसी कार्रवाई आप लोगों के नहीं? जनप्रतिनिधि आगे आने के पहले भी मैं यहाँ मना करके गया था कि 2 स्टैक जो रखे हुए हैं मैंने रोक ही लगाई थी आके, फिर भी लगातार चावल उतरते जा रहे हैं। नहीं उतर रहा है, वहाँ से अनुबंध है, उतरेगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, अभी दुकानों में नहीं जाएगा ये। सर, कुछ दुकानों में ये चावल पहुँच भी चुके हैं? जहाँ पहुँच गया है, जितनी बोरियाँ खराब होंगी उसको रिप्लेस कराया जाएगा, नहीं तो वितरण नहीं कराया जाएगा। इसमें जैसे कि अभी हम लोग तहसीलदार साहब के साथ यहाँ औचक निरीक्षण करने के लिए आए थे, तो एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ जितने भी चावल रहे वो सब कीड़ा युक्त हैं, और जो जबकि नियम के तहत ये है भाई कि कीड़ा युक्त चावल जिंदा कीड़ा युक्त बांटा ही नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से यहाँ भंडारण करके रखा गया है, तो हमने आप इनके DM साहब, आपके आपूर्ति विभाग वाले से इनसे चर्चा भी किया गया है कि भाई ऐसे चावल को हमारे क्षेत्र में ना बांटा जाए, इनको वापस जहाँ से आए वहाँ वापस किया जाए, और अगर इस तरह के यहाँ कारनामे किए भी जा रहे हैं, अगर इस तरह का आवंटन आके यहाँ लाट लाया जाता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। नहीं, ये तो ये हमारे जिस तरह से यहाँ चावल का आना हुआ, ये वास्तव में हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरह से यहाँ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कि भाई जमीनी स्तर तक जाए, लोगों को लाभ मिले, इस आशय से इस योजना का लॉन्च किया गया था और उसी के आधार पर वितरण भी किया जाता है, लेकिन जिस तरह से चावल लाया जाता है तो कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, इसमें क्या है, जो इनका विभागीय अमला है कहीं ना कहीं उनकी सब साठ गांठ से है, क्योंकि जब कहीं अलाट आता है तो उनके चेक करने का पावर कई प्रकार से रहता है। यहाँ एक रीजनल मैनेजर भी रखा जाता है जो चावल का परीक्षण करे, इसके बाद भी अगर इस तरह का अगर हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इस पे आवश्यक कार्रवाई नहीं होगी तो आपके द्वारा क्या
अलग से कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, अगर इस तरह का चावल तो हम बटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमको धरना देना पड़े, चाहे इसको लॉक करवाना पड़े, सीज करवाना पड़े, उसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह का। लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र में ये इस तरह का कीड़ा युक्त चावल तो नहीं जाने दिया जाएगा। धन्यवाद। नहीं, ये पाया कि चावल में जाले भी हैं और उसके जो साइड में जो गोरों का मोड़ होता है उसमें कीड़े भी हैं, इसलिए भी उसको प्रदाय के लिए रोक लगा दिया है। उसका वेयरहाउस प्रॉपरली ट्रीटमेंट करेगा, अपने नियमानुसार जो होता है उसके पुनः जांच की जाएगी, इसके बाद ही निर्णय बताया जा सकता है। सर, जाली और कीड़े के अलावा जो उसमें कनकी की मात्रा है, हाँ। आपकी नज़र में इसके मानक स्तर से कनकी ज़्यादा है या मानक स्तर नहीं? अब वो तो पहले तो क्वालिटी बन जाएगा तो उसका एनालिसिस होगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर को बुलवा के बाहर से बुलवा लेंगे, उसको जांच करवा लेते तो इसी भी अलग अलग हो जाएगा कितना क्या क्या नहीं। जो कुछ भी हो चुका है सर, इसमें गलती किसकी मानते हैं? अब गलती तो जहाँ भंडारी थे भंडारण संस्था की, उसके लिए कोई कार्रवाई होगी। वेयर हाउस का ये प्राइवेट गोदाम में रखा हुआ था, प्राइवेट गोदाम का वेयर हाउस का आपस में अनबंध होता है, ये उसके किराए से काटेंगे पैसे या जो भी करेगा वेयर हाउस करेगा, क्योंकि उनके अनबंधित होते हैं। ये चावल जितनी जगह बांटा जा चुका है उनके लिए क्या करना है? ये बांटा गया पहले मेरे ख्याल से इतना खराब तो नहीं था, ऐसा बताया गया। अभी जब ये लगा कि खराब है, क्योंकि जैसो साहब यहाँ के खुद भी देखे थे, एक तक शायद अनुमति दे गए थे बांटने के लिए, हाँ जो बांटा गया है तो खराब तो शायद नहीं है मेरे ख्याल से, जैसा मेल ने भी देखा है। अगर ज्यादा का चिलिया मार की उचित मूल्य दुकान और गोंदा की दुकान है, हाँ। तो ये चावल रखा हुआ है, जब हम लोगों के द्वारा देखने पे मिला है कि चावल जो ठीक है, जहाँ पे कुछ गोलियाँ खराब होंगी उसको हम रिप्लेस करा देंगे, बदलवा देंगे। में चावल में जो है ब्रोकन ये है 31% है, क्योंकि ये पुराना साल भर का और ट्रांसफर से आया हुआ है, ना कि मिलर का। ये लाड यहाँ जमा हो रहा है, मिलर का लाड यहाँ जमा नहीं हो रहा है, जो पिछले वर्ष खरीदी हो चुकी है जो जमा है वो ट्रांसफर से यहाँ आ रहा है। और इसमें कीड़े पाए गए? कीड़े इसमें कीड़े हैं, लूड़ी है, जिसको हमने उच्च अधिकारी से आवेदन करके लिख के भेज दिया है, उसको हमने यहाँ से वितरण के लिए रोक भी दिया। अच्छा, जो चावल का लाट आता है उसका क्वालिटी टेस्ट हर बार करना होता है या ऐसे ही कभी कभार? नहीं, लाट का हमेशा का करना होता है, प्रति लाट का करना होता है। तो अभी जो रखाया है उसमें आपने कितने लाट? इसमें नहीं करने का रहता विशेष कर खास तौर से, क्योंकि यही कहा है खरीदा हुआ है पास किया हुआ माल है जी। जैसे दूसरे वेयर हाउस से ये आ रहा है अन्नपूर्णा वेयर हाउस, हाँ। तो अन्नपूर्णा वालों ने जो टेस्ट करके क्वालिटी टेस्ट करके अपने पास रखाया होगा वो, हाँ। जब वो उस वेयर हाउस से इस वेयर हाउस पे आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पर इसको टेस्ट करना अनिवार्य होता है या नहीं होता? अनिवार्य नहीं है, अगर प्रथम देख लिया अच्छा है तो कुछ लेकर, जब ज्यादा है जैसे कीड़ा है तो रोक दिया, पर ज्यादा अगर कनकी है तो कनकी नहीं ले सकते, ऐसा है। चावल दिखना चाहिए चावल है। पी इफेक्ट के विषय में आपको जानकारी है? पी इफेक्ट में जानकारी ये है, अगर कीड़े वीड़े लगाए जाएंगे तो उसका लैब वाले आते हैं जांच करते हैं, और जांच करने के बाद फिर रिपोर्ट भेजते हैं भोपाल, जब भी जहाँ भी होता है इसके अनासर, इसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है फिर उसके बाद केस चलता है। केस चलने के बाद जब मजिस्ट्रेट जब फैसला करता है तो सजा कर दे, जुर्माना कर दे, फांसी लगा दे, देश निकाला कर दे, तब होता है। तो वो जिंदा कीड़ों के लिए होता है पी एफ एक्ट है? जिंदा कीड़े नहीं पाए जाएंगे। पी एफ एक्ट हर कैसे जैसे कोशिकी का मिश्रण भी कर दें उसमें भी पी एफ एक्ट लगता है, कोई कीड़े भर में नहीं लगता है। जैसे चावल में कोई और चीज मिला दें है, और कि चावल में सड़ा गला किसी तरह वो, तो उसमें भी होता है। अभी लगभग कितना अनाज आया है जो आपके द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है? अब हमारे पास है 3,000 क्विंटल, 6,000 बोरी, 62 बोरी, तो लगभग सभी चावल नहीं खराब है सब चावल, हाँ। इसको हमने सब रोक भी लगा दिया, लिख के दे दिया, और आज अब साहब आज तहसील साहब उनके मार्गदर्शन लेके गाड़ी जो आ रही खड़ी है दो, इनको हम वापस कर देते। अभी वेयर हाउस में अच्छा स्टॉक कितने चावल का है? नहीं है स्टॉक, नहीं है अच्छे का, यानी कि आज के बाद जब तक नया स्टॉक नहीं आता वितरण नहीं होगा। सागर टीवी न्यूज के लिए अनूपपुर से दीपक कुमार मेहरा की रिपोर्ट। मोबाइल एक्सचेंज मेला, जी हां, प्रकाश दीप मोबाइल पेश करते हैं मोबाइलों की संपूर्ण श्रृंखला, वीवो, ओप्पो, नोकिया, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, सैमसंग, लावा, पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं, 0% फाइनेंस सुविधा, 0% बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल एसेसरीज,
चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, मोबाइल टच गार्ड, मोबाइल कवर, बैक कवर एवं सभी प्रकार की मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है प्रकाश दीप मोबाइल, जामा कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 2, 332 सागर। मोबाइल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें